बिलियन में से आप मेरे ख्याल से 1.5 बिलियन टन के यानी आपके ब्लॉक टू में आप काम कर रहे हैं तो और 5000 मेगावाट जो कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट जो है वो 2030 तक बढ़कर तकरीबन ये 1 लाख के करीब हमें मेगावाट एटलीस्ट चाहिए होगा तो ये तो बहुत छोटा लग रहा है मतलब जितना है हमारे पास क्या उसकी वजूहत क्या है देखिए जी एक ब्लॉक है 13 ब्लॉक 12 ब्लॉक और भी हैं उसके अलावा जो कोयला यहाँ पर मौजूद है थर के अंदर 9000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास सिर्फ 96 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास मौजूद है और उस 1% से जो कि 1% बनता है उससे हम जा रहे हैं हमें जो ब्लॉक दिया गया हम उससे कोयला निकाल रहे हैं उसके अलावा यहाँ पर जो कैपेसिटी है इस थर में सारे कोयला अगर सारा कोयला आप लगा दें मिसाल के तौर पर तो हमारे पास जो बिजली बन सकती है वो 2 लाख मेगावाट से ज़्यादा बन सकती है सारे थर कोयले अगर सारे ब्लॉक शुरू हो जाए उससे भी ज़्यादा बिजली बन सकती है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर जो कोल का पोटेंशियल मौजूद है वो ईरान और सऊदी अरब के तेल के ज़खायर से दुगना पोटेंशियल बिजली बनाने का मौजूद है हाँ लेकिन ये देखें ना जिस तरीके से सऊदी ने निकाल पर मैं उस पर बाद में बात करूँगा लेकिन पहला मौजूद मेरा ये कि ये कोयला में मॉइस्चर बहुत है ऐश बहुत है कहा जा रहा है कि और ये जो माइनिंग आप कर रहे हैं यहाँ से जो आप मॉइस्चर के लिए जो वाटर आप निकाल कर फेंकेंगे वो सारा यहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब कर रहा है कोयला आप निकालेंगे यहाँ थर की जो खूबसूरती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी उस वो एक अलग पार्ट पर आता हूँ लेकिन सबसे पहला पार्ट ये है कि ये कोयला कहा जा रहा है कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इसमें ऐश बहुत ज़्यादा है ये कोयले से बिजली बहुत महंगी पड़ेगी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ये एक बड़ा आम तासर है ये कोई आम तासर नहीं है इंडिया में हमारे साथ ही इसी किस्म का कोयला यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर के मौजूद था कोयला इसी यही ज़मीन है वहाँ पर भी डिपॉजिट थे उन्होंने 1948 में कोयला निकालना शुरू किया 52 में और 2014-15 में उन्होंने वो कोयला ख़त्म भी कर दिया और बिजली बनाई वहाँ से गुजरात को तरक्की दिलाई उन्होंने इसी कोयले से जर्मनी और ये इससे ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का कोयला उन्होंने इस्तेमाल किया उससे बिजली बनाई बंद कर दिया जर्मनी कोयले की जी नहीं कोई बंद नहीं किया कोई बंद नहीं किया अपनी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त कर लें कोई बंद नहीं किया वहाँ पर कोयले के प्लांट चल रहे हैं इंडिया में चल रहे हैं चाइना में चल रहे हैं अमरीका ब्राज़ील कनाडा साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया हर जगह कोयले के प्लांट चल रहे हैं हर मुल्क तकरीबन 40-50% बिजली बना रहे हैं उसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ वेस्ट सबसे ज़्यादा समझा जाता है मॉडर्न और इन्वायरमेंट के हवाले से बेहतर समझा जाता है इससे या इसके मुकाबले का कोयला मौजूद है जर्मनी की हेम्बाख एक माइन है बहुत बड़ी से 10 गुना बड़ी माइन है वहाँ पर इसी किस्म के कोयले से बिजली बनाई जा रही है और पिछले 30-40 साल से बनाई जा रही है इसलिए ये कहना इस कोयले की क्वालिटी और मॉइस्चर ज़्यादा है इससे कोई बात नहीं है दुनिया में कई मिसाल मौजूद है इससे खराब कोयले की बिजली बन रही है लेकिन ये तो हमारे लिए नेमत से कम नहीं है ऐसा कोयला इस क्वालिटी मौजूद है जिससे कम से कम बिजली बड़े बेहतर अंदाज में बनाई जा सकती है